और चलिए अब बात करेंगे उन्नत झारखंड की। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से दुमका की तस्वीर बदल रही है। श्रावणी मेले के दौरान पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने जहां उन्हें ठहरने की उनकी पूरी व्यवस्था की है, वहीं पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी ना हो इस पर भी प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। दुमका पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। रघुवर सरकार की कोशिश से दुमका में भव्य पंडाल टेंट सिटी बनाई गई है, जहां पर्यटक ज्यादा से ज्यादा पहुंच रहे हैं। श्रावणी मेला 2018 में पर्यटकों के लिए इस टेंट हाउस में हर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पर्यटक और कांवरिये लंबी और कठिन यात्रा तय कर जब दुमका पहुंचते हैं तो उनके आराम के लिए हर सुविधा सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही है। हम लोग का तो सब सुविधा मिला, सरकार जो दिए उसे हम लोग बहुत खुश हैं कि सरकार सब कुछ व्यवस्था देते रहे। ऐसा ही हम लोग बम सब उस दिन उन लोग का गुणगान करते रहे। वहीं बम से पूछे कि यहाँ पे कोई ठहरने की व्यवस्था है तो बोले कि आगे चले जाइए, टेंट सिटी में अच्छी व्यवस्था है। हम लोग यहाँ पे आए और देखा तो हम लोग को व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। हम लोग ने कहा चलिए ठीक है, यहाँ पे आराम कर लेते हैं थोड़ी देर। बड़ी बड़ी LED स्क्रीन पर पर्यटक और श्रद्धालुओं के लिए हर जरूरी सूचनाएं भी प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही है। टेंट सिटी एक बहुत ही वंडरफुल आइडिया है, जिसमें कि भक्तों को कांवरियों को निःशुल्क राज्य सरकार के द्वारा रहने के इंतजाम किए गए हैं, जहां पे कांवरिया फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर कोई रुपया दिए हुए बड़े ही नीट एंड क्लीन एटमोसफेयर में, जहां हाइजीन का लेवल बहुत मेंटेन किया गया है, उनको बेड्स उपलब्ध कराए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ जो है उनको अपना जो है जो कांवरिया लोग अपनी सामग्री और साथ में हाथ में जो है उनके कांवर होता है उसको रखने का अलग से प्रबंध होता है, ताकि उसकी शुचिता और पवित्रता भी जो है सुनिश्चित कराई जा सके। टेंट सिटी के मैनेजर के माने तो आने वाले कांवरियों के लिए टेंट सिटी में हर वो सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है जिसकी उन्हें जरूरत है। 1000 से भी ज्यादा लोगों के लिए रहने की व्यवस्था की है, सब लाइट फैन 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध है, पानी के लिए उनके लिए अलग अलग जगह पे, एक जगह पे ताकि भीड़ ना हो या लोगों को असुविधा ना हो तो उसके लिए अलग अलग जगह पे हम लोगों ने लोकेशंस पे और पानी 24 घंटे अवेलेबल कराया है। रघुवर सरकार की कोशिशों से आज दुमका में कांवरियों की हर छोटी बड़ी समस्या को दूर करने के लिए पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। सरकार की कोशिश है कि पर्यटकों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।